ताज प्रेस क्लब चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। ताज प्रेस क्लब और नया अध्यक्ष कैसा हो, पत्रकारों ने जताई राय। वरिष्ठ पत्रकार मनीष जैन ने कहा, पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़ने वाला हो नया अध्यक्ष। वरिष्ठ पत्रकार पीपी सिंह ने कहा, अन्य प्रेस क्लब से कम नहीं होनी चाहिए ताज प्रेस क्लब की गरिमा। वरिष्ठ पत्रकार विजय बघेल ने कहा, अनुभवी और जोशीली होनी चाहिए प्रेस क्लब की नई सरकार। वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र यादव ने कहा, ताज से जुड़ा है प्रेस क्लब का नाम, दशा सुधारने वाला हो अध्यक्ष। वरिष्ठ पत्रकार ठाकुर पवन सिंह ने कहा, प्रेस क्लब के लिए केवल सपने देखे गए, नहीं किए पूरे। कोई भी अध्यक्ष हो, कोई भी महासचिव हो, आखिर संगठन का मतलब यही है कि संगठित होकर एक पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ताज प्रेस क्लब बहुत वर्षों पहले स्थापित हुआ और इस बिल्डिंग की जो हालत है वो बड़ी शर्मनाक है। वर्तमान कार्यकारिणी अगर नंबर देने की बात करते हैं तो आप फिर नंबर देने का आकलन बन नहीं पाता कि पिछले 12 वर्षों में इनको क्या नंबर दिए गए। पत्रकारों के हितों की बात कौन करे, और प्रेस क्लब की अगर बात की जाए तो प्रेस क्लब को एक प्रॉपर वे में इसको चलाया जाए, यहाँ प्रॉपर बैठकें हों और पत्रकार हित की बात हो। युवा होना चाहिए, वर्किंग जर्नलिस्ट होना चाहिए। प्रेस क्लब का नाम ताजमहल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी दशा सुधारने वाला व्यक्ति हो। पत्रकारिता जगत जो है वो रोशनी देता है, सबको बताता है, वो सपने जो देखे गए थे अभी तक पूरे नहीं हुए। आगरा में ताज प्रेस क्लब की नई सरकार के गठन के लिए चुनावी प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो गई है। नामांकन का कार्य पूरा हो गया है और अब 8 नवंबर को नाम वापस लिए जाएंगे और 13 नवंबर को प्रेस क्लब की नई सरकार चुनी जाएगी। चुनाव मैदान में पत्रकारों के हितों की रक्षा करने और प्रेस क्लब के स्वरूप को बेहतर बनाने के वायदों के साथ प्रत्याशी अपने लिए मतदाताओं से वोट करने की अपील कर रहे हैं। वर्तमान में ताज प्रेस क्लब की दशा बहुत खराब है। प्रेस क्लब के बाहरी रूप को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली कार्यकारिणी ने इसकी गरिमा को कितना बचा कर रखा है। इसके अंदर के भाग की बात करें तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। वर्तमान सरकार पिछले 12 वर्षों से काबिज है, लेकिन प्रेस क्लब के लिए क्या किया, यह सब तस्वीरों में साफ हो रहा है। अब जब प्रेस क्लब की चुनावी प्रक्रिया चल रही है तो आगरा शहर के वरिष्ठ पत्रकार पुरानी सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि इस बार प्रेस क्लब के लिए एक ऐसा अध्यक्ष चुनने की बात कह रहे हैं जो कि पत्रकारों के हितों की रक्षा और ताज प्रेस क्लब को एक नई पहचान दिला सके। वरिष्ठ पत्रकार मनीष जैन ने कहा कि कोई भी संगठन हितों के लिए बनता है और ताज प्रेस क्लब का अध्यक्ष ऐसा हो जो पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़े। मनीष जैन ने ताज प्रेस क्लब की दुर्दशा पर भी चिंता जताई। सबसे बड़ी बात यही है, पत्रकारों के हित में बात करनी चाहिए। कोई भी अध्यक्ष हो, कोई भी महासचिव हो, आखिर संगठन का मतलब यही है कि संगठित होकर एक पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़नी चाहिए। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ताज प्रेस क्लब बहुत वर्षों पहले स्थापित हुआ और इस बिल्डिंग की जो हालत है वो बड़ी शर्मनाक है। ये तो जो भी अध्यक्ष पहले रहे हैं या जो भी कार्यकारिणी रही है, ये उनका दायित्व तो होना चाहिए था, जो भी नई कार्यकारिणी आएगी अध्यक्ष बनेगा, कि बिल्डिंग का स्वरूप बदलना चाहिए। आप नोएडा दिल्ली में देखें तो ताज प्रेस क्लब 5-स्टार होटल की तरह है, तो 5-स्टार होटल नहीं, लेकिन इस तरह के होने चाहिए कि लोग यहाँ मनोरंजन कर सके और अपना बैठ सके या कोई मीटिंग हो, एक अच्छा वातावरण हो, जो पत्रकारों के हितों की बात करे और पत्रकारों के लिए हमेशा खड़ा रहे। पत्रकारों के हित की बात करने वाले को ही प्रत्याशी चुनूंगा और लोगों को चुनना भी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार पीपी सिंह ने कहा कि नई सरकार प्रेस क्लब में पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था, शोध लाइब्रेरी और समाचार संकलन कर भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही वर्तमान कार्यकारिणी से भी वह नाखुश नजर आए। देखिए, ताज प्रेस क्लब बड़ा ही गरिमापूर्ण प्रेस क्लब रहा है पिछले समय में, और जहाँ तक बात करते हैं कि ताज प्रेस क्लब का भविष्य क्या होना चाहिए, एक अच्छे प्रेस क्लब जिसमें पत्रकारों के बैठने के लिए, शोध करने के लिए, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए, उनके लिए समाचार संकलन करके भेजने की सुविधा होनी चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो ताज प्रेस क्लब में होनी चाहिए, और जो नए लोग प्रत्याशी जो लोग अभी चुनाव में उतर रहे हैं उनमें से अधिकतम का ये इस बात से सहमति है कि इस तरीके की सुविधाएँ इस ताज प्रेस क्लब में होनी चाहिए। और ताज प्रेस क्लब क्योंकि ताज के नाम से पूरे देश भर में जाना जाता है,
तो निश्चित रूप से इसकी जो गरिमा है वो अन्य प्रेस क्लबों के मुकाबले कहीं कमतर नहीं होनी चाहिए। सारे प्रत्याशियों का ये प्रयास होना चाहिए। देखिए वर्तमान कार्यकारिणी की हम बात करें तो काफ़ी सारे चीज़ों में विवाद रहे, इस वजह से विकास का मुद्दा कहीं बहुत पीछे रह गया। अगर नंबर देने की बात करते हैं तो आप फिर नंबर देने का आंकलन बन नहीं पाता कि पिछले 12 वर्षों में इनको क्या नंबर दिए जाए। सीटीवी चैनल हेड विजय बघेल ने कहा कि नया अध्यक्ष ऊर्जावान जोशीला होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने नई कार्यकारिणी से आने वाले समय में समय से चुनाव कराए जाने की भी उम्मीद जताई है। देखिए अध्यक्ष पद पर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए निर्विवाद हो, ऊर्जावान हो और अनुभवी भी हो और जोश भी हो उसमें, तो कम से कम जो पत्रकारों की जो बात कह सके, क्योंकि आज के दौर में जो मुझे लगता है कि पत्रकारिता का कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है और व्यवसायिकता हावी है, ऐसे दौर में पत्रकारों के हितों की बात कौन करे। और प्रेस क्लब की अगर बात की जाए तो प्रेस क्लब को एक प्रॉपर वे में इसको चलाया जाए, यहाँ प्रॉपर बैठकें हों और पत्रकार हित की बात हो, ऐसा एक अध्यक्ष होना चाहिए। यह अच्छी बात है कि 12 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो नई कार्यकारिणी आएगी वो समय से चुनाव कराएगी और उम्मीद करते हैं कि छींटाकसी ना करके सारे लोग पत्रकार साथी एक नया एक ऐसा अध्यक्ष चुने जो वाकई इसको ऊपर ले जाए, इसकी गरिमा को ऊपर ले जाए। अमर उजाला प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि प्रेस क्लब को एक ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता है जो युवा और वर्किंग जर्नलिस्ट हो, क्योंकि ताज प्रेस क्लब का नाम ताज से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी दशा सुधारने वाला अध्यक्ष होना चाहिए। ताज प्रेस क्लब का अध्यक्ष युवा होना चाहिए, वर्किंग जर्नलिस्ट होना चाहिए, और चूंकि ताज प्रेस क्लब का नाम ताजमहल से जुड़ा हुआ है जो विश्वविद्यालय स्मारक है, इसलिए इसकी दशा सुधारने वाला व्यक्ति हो जो चुनाव लड़े, ऐसा अध्यक्ष चुना जाए जो पत्रकारों के हित की बात करे और ताज प्रेस क्लब को सुंदर और भव्य बनाने का काम करे। वरिष्ठ पत्रकार ठाकुर पवन सिंह ने वर्तमान ताज प्रेस क्लब की कार्यकारिणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो सपने देखे गए वह अभी तक पूरे नहीं किए जा सके हैं। देखिए जैसे ताज का शहर है ये आगरा, वैसे ही जैसे विश्वविख्यात है और पत्रकारिता जगत जो है वो रोशनी देता है, सबको बताता है। स्थिति ये है कि हम लोग मंगल पे पहुंचने की बात कर रहे हैं और आज भी जो वोटर लिस्ट है वो हाथ से बनाई जा रही है और इसके लिए कोई बाहर के लोग दोषी नहीं हैं, जो लोग चुने गए हैं वही दोषी हैं, उनके पता नहीं क्या इसमें लाभ थे क्या नहीं थे। खैर मैं दोषारोपण की बात नहीं करता, तो हमारा पाठक या दर्शक हमसे अपेक्षा तुरंत खबर की करता है, तो हमें एक बहुत ही वैज्ञानिक रूप से सक्षम प्रेस क्लब चाहिए जिसमें सारी सुविधाएँ हों और पत्रकार के लिए सुविधा हो, जिससे कि उसका जो पाठक या दर्शक है उस तक वो सारी चीज़ें तुरंत परोस सके और अच्छी भावना। सर वर्तमान कार्यकारिणी की अगर बात करें तो अगर ताज प्रेस क्लब के विकास कार्य की बात करें 10 में से उसे कितने नंबर देना चाहिए, किस तरह के विकास कार्य? नहीं माइनस 0 कहूँगा या जितना भी माइनस हो सकता है। आप देख सकते हैं अगर आप पीछे कैमरा घुमाएंगे तो झाड़ियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पर झाड़ियों का कूड़े का वास हो, शराब पीते हुए लोग मिलते हैं और वो भी ऐसे लोग जो पत्रकार तो नहीं है, और सारी अनैतिक यहाँ पर क्रियाकलाप होती है, कोई बोल नहीं सकता, गिरोहबंदी है, सब गिरोहबंद होके यहाँ पर। कैसा अध्यक्ष चुनेंगे इस बार? अध्यक्ष पहले तो जानकार होना चाहिए पत्रकारिता का, आधुनिकतम जो तौर तरीके हैं उसके बारे में जानकारी उसे होनी चाहिए, मिलनसार हो, जिससे भी मिले कम से कम मिलने वाले को ये लगे कि हाँ ये मुझे बचपन से जानता है, और अपने ज्ञान को ऊपर ना रख के उसे ये सामने वाले के लेवल पे आके बात करनी चाहिए, और यदा कदा जो भी पत्रकार अपनी कलम उठाता है तो जाहिर है वो सरकार के खिलाफ उठती है और फिर पत्रकार थानों में पिटते हैं, उनके साथ खड़े होने वाला चाहिए। सबसे पहले अगर किसी को कोई पत्रकार फ़ोन करे तो वो अध्यक्ष होना चाहिए, ना कि अपने घर वालों।